जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल की सी के इस सीरीज में हम देख रहे हैं डिलीवरी ऑफ स्लाइडर के बारे में, जहां हमने फॉर्मेट मेनू पढ़ा था और आज हमें पढ़ना है स्टाइल मेनू के बारे में। ठीक है, स्टाइल पे क्लिक करिए। आप देख सकते हैं यही कल ऑप्शन उस दिन क्वेश्चन में आया था, बॉडी टेक्स्ट, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जीरो होती है। याद आ रहा है, कंट्रोल प्लस जीरो लिख लीजिएगा, बॉडी टेक्स्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जीरो। ये पूछा गया था सैटरडे को, कल नहीं ना आए थे आप लोग पढ़ने? हाँ, ग्रुप में मैसेज गया था ना, सब लोग जुड़े हैं ना। ठीक, हो गया। कंट्रोल प्लस जीरो से क्या आता है, बॉडी टेक्स्ट के लिए। अब टाइटल के लिए दिया हुआ है, टाइटल देने के लिए, सब टाइटल देने के लिए T2, T1 और हेडिंग के लिए तीन हेडिंग बाय डिफॉल्ट होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। उनकी शॉर्टकट की भी दी हुई है, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3। यही दिया था क्वेश्चन, यही चार ऑप्शन भी दिए हुए थे और आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, आराम से। क्वोटेशन मार्क बोलते हैं ना, डबल इनवर्टेड कॉमा जो होते हैं उसको लोग क्वोटेशन मार्क बोलते हैं। तो DT F3 स्टाइल ना। अब देखिए बॉडी टेक्स्ट, ये यहाँ से आप दबाएंगे कंट्रोल जीरो तो आपका जो यहाँ लिख रहा है ना डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल जो दिख रहा है आपको, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल जीरो डायरेक्टली प्रेस कर दीजिए। देखिए आपका ये बॉडी टेक्स्ट हो गया। बॉडी टेक्स्ट होने से क्या हुआ, इसका थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी आपके इसके में, या फिर नॉर्मल कंट्रोल जेड करिए जैसा था वैसा ही हो जाएगा। डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल कैसा होता है, सेट डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, डिफॉल्ट का मतलब जो अपने आप सेट रहता है। और कंट्रोल जीरो से क्या करेंगे, बॉडी टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, और क्या है इसमें, कहाँ तुम लोग घूम रहे थे, जगह खत्म है, जगह है। पिछले टेक्स्ट कितने लोग हैं, पिछले टेक्स्ट कितने लोग हैं, बड़ी दिक्कत। अब ध्यान दीजिए इधर, अब अगर हेडिंग हमें देना है, इंटर करके नीचे आ गए और यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ क्लिक करने के बाद से क्या करेंगे आप, आ जाएंगे स्टाइल पे। जैसे मान लो पहले रेट लिख दिया जाए, COMPUTER, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टाइल का है और यहाँ से क्या कर दिया, हेडिंग वन कर दिया। देखिए हेडिंग वन हो गया कि नहीं हो गया। अभी बुक मार्क वगैरह जो पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे आप लोग क्रॉस रेफरेंस, पढ़ाए थे ना क्रॉस रेफरेंस, क्या करता है क्रॉस रेफरेंस, हमें बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज कर रखा है, यही बताता है। क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, हमें बताता है कि हमने डॉक्यूमेंट में क्या क्या यूज किया हुआ है, यही सारी चीजें इसमें करके देखना रहती है। एक टाइटल हो गया, टाइटल का मतलब बीच में हो जाता है, हेडिंग अलग होता है, टाइटल अलग होता है, जैसे हेडिंग के भीतर टाइटल होता है, टाइटल का मतलब कि क्या कंटेंट है, किसके विषय पे आपने लिखा है। जैसे हमने चैप्टर डाल दिया, चैप्टर का नाम डाल दिया, उसके नीचे टाइटल उसके भीतर रख दिया, तो मान लो एक कोई चैप्टर उसके भीतर बहुत सारे टाइटल हो सकते हैं ना, तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग, टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। सब टाइटल होगा तो और छोटा हो जाएगा, देखिए छोटा हो गया, यानी टाइटल। ये याद रखिएगा, जब भी किसी चीज के अंदर सेम चीज होती है तो सब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे हम बोलते हैं सब फोल्डर, क्या बोला जाता है, सब फोल्डर, SUB लिखे हैं फोल्डर। ऐसे ग्रुप के अंदर ग्रुप होगा तो सब ग्रुप, टाइटल के अंदर टाइटल होगा सब टाइटल, दिमाग में रखिएगा। जैसे देखते हैं ना कि कोई मूवी आती है, कोई इंग्लिश मूवी है तो उसके नीचे सब टाइटल लिखता है, हिंदी में या कोई और लैंग्वेज में तो इंग्लिश में सब टाइटल लिखेगा, ताकि हम लोग पढ़ के उसको ट्रांसलेट कर पाए, समझ पाए, समझ रहे बात को ना, तो इसका यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, दिमाग में रखिएगा। तो टाइटल सब टाइटल जो भी चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कहाँ से, ये सारी चीज कहलाती है, चेंज करना, बोल्ड करना, बड़ा करना, ये सब क्या है कि स्टाइल की बात आ रही है, और बोल्ड इटैलिक की बात आएगी तो फॉर्मेट की बात आ रही है, फॉर्मेटिंग चेंज करने की बात है, दिमाग में रखिएगा। तो कई बार स्टाइल और फॉर्मेट लगभग सिमिलर लगता है लोगों को, तो दिमाग में रखिएगा। और हेडिंग करना है तो हेडिंग कर ही लेंगे आप लोग, हेडिंग वन, हेडिंग टू, जो भी है। उसके बाद क्या हुआ है, ब्लॉक कोटेशन मार्क,
कोटेशन का मार्क मतलब ये हुआ कि जो आप लोग देते हैं ना कोटेशन मार्क वगैरह डबल कामा में, जो आप इनवर्टेड कामा बोलते हो, जो डबल कामा बोलते हो आप लोग, उसी को इंग्लिश में कोटेशन मार्क भी बोला जाता है। देखिए इसमें लगाने का तरीका अलग है, एक में साइड से ओपन हुआ है, दूसरे साइड से क्लोज हुआ है, देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कोटेशन मार्क। क्या बोला जाता है? कोटेशन मार्क, ठीक है। और ये याद रखिएगा, इसको बोला जाता है स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, इसको बोला जाता है बैकवर्ड स्लैश, इसको बोला जाता है कॉलन, कॉलन सी ओ एल ओ एन, कॉलन है, कई लोग कॉलम लिख देते हैं, और इसे बोला जाता है सेमी कॉलन। क्या बोला जाता है? सेमी कॉलन, दिमाग में रखिएगा इन बातों को, कॉलन सेमी कॉलन स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश, एक क्वेश्चन मार्क है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ए डैश बी पढ़िए या ए माइनस बी पढ़िए, अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसको डैश के तौर पे भी यूज करेंगे और माइनस के तौर पे यूज करेंगे, और ऐसा लेकर लिखा हुआ है तो इसे अंडर स्कोर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंडर स्कोर, ए अंडर स्कोर बी, ऐसा पढ़ा जाता है। दिमाग में रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है, सिंबल याद होने चाहिए कीबोर्ड में जो भी सिंबल दिया हुआ है। अच्छा, जो ऐसे बना होता है ऐसे, इसको अपवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्ड। जैसे मैंने लिखना है टू पे पावर टू, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ए टू पे पावर टू, ए टू अपवर्ड टू, ए टू का पावर टू क्या है, स्क्वायर की बात हो रही है, समझ रहे ना। सारे सिंबल्स बहुत जरूरी है याद करने, याद रखिएगा। दो फुल स्टॉप, इंग्लिश वाले फुल स्टॉप ऐसे होते हैं और हिंदी वाले खड़ी पाई ऐसे होते हैं, दिमाग में रखिएगा इन बातों को, सिंबल बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे। उसके बाद से लिस्ट के लिए बताए थे आप लोगों को, लिस्ट लगाना कहाँ से बताए थे? लिस्ट से लिस्ट वाली बात कहाँ से आ गई थी? इसमें बताया था ना, नो ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट, याद आ रहा है ना, 22 शिफ्ट F12 देखिएगा, दे रहा है ना, वही सेम चीज बार बार रिपीट करेगा, परेशान नहीं होंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि ऑप्शन देख के डर जाइए। वही बुलेट लिस्ट, नो लिस्ट, ऑप्शन दिया हुआ, नंबरिंग लिस्ट 1 2 3 ABCD, स्मॉल में ABCD, रोमन में, देख रहे ना, दिमाग में रखिएगा। वही चीज जहां वहां डिटेल में दिया हुआ है, अंदर दिया हुआ है, जाके डीप दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन में मिल जाएंगे। जैसे फॉर्मेट के भीतर आप जाएंगे कहाँ पे, लिस्ट में, तब ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगे, या बुलेट लिस्ट में तो आप लोग को सारी चीजें देखने को मिलेंगे। स्टाइल में क्या है? सीधा सीधा मिल जाएगा आपको, यानी स्टाइल वहां पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। बुलेट लिस्ट, नंबरिंग 1 2 3 ABC, स्मॉल में ABC, रोमन में, ये सारी, रोमन में भी कैपिटल और स्मॉल होता है। जैसे अगर मैंने लिख दिया कैपिटल में, कैपिटल एक्स है, स्मॉल एक्स है, दोनों का मतलब 10 ही होगा, रोमन में 10 बोलते हैं ना इसको, दिमाग में रखिएगा। 50 को क्या बोलेंगे? 50 को, 50 को L बोलते हैं, 50 को क्या बोलते हैं? L, और 100 को, 100 को C बोलते हैं, 100 को C बोलते हैं, 500 को D बोलते हैं, और 1000 को M बोलते हैं, दिमाग में रखिएगा। ये सब बातें बात की है, लेकिन दिमाग में फिर भी रहना चाहिए, ये सारे रोमन अंक है। क्या है? तो रोमन में मान लो कैपिटल में डी लिखे हैं, स्मॉल में डी नहीं लिख सकते हैं, अभी भी लिख सकते हैं, वही सारी चीजें। तो यहाँ रोमन में 1 के लिए ऐसे ऐसे कई बार लिखते हैं, कई बार ऐसे क्यों लिख दिया जाता है, ऐसे 2 लिख दिया जाता है, कई बार लोग ऐसे 2 लिखते हैं, कि कैपिटल और स्मॉल इसमें भी होता है, रोमन में भी होता है। तो जो भी लिस्ट आपको चाहिए वो लिस्ट आपको मिल जाएगी, कहाँ से? स्टाइल के भीतर, और ये सारी लिस्ट दिख रही है आपको। अच्छा, अपने स्टाइल को एडिट करना है तो अल्ट पी दबाएंगे एडिट करने के लिए, जो भी स्टाइल किए होंगे अगर उसी स्टाइल को एडिट करना है तो अल्ट पी दबाएंगे। अब आप जो भी काम करना होगा कर लीजिएगा, चाहे एलिमेंट सेट करना हो, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी, इंडेंट स्पेसिंग करना हो, या बॉर्डर लगाना हो, हाँ ट्रांसपेरेंसी करना हो, या आउटलाइन लिस्ट करना हो, जो भी करना होगा कर लेंगे। शॉर्टकट की लिख लीजिएगा, शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, देखिए शॉर्टकट की, एडिट स्टाइल की शॉर्टकट की होती है अल्ट पी, अल्ट प्लस पी, एडिट स्टाइल। एडिट का मतलब क्या होता है? चेंज करना, अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे, चेंज करना सिर्फ बोलेंगे। इसे भी लिख लीजिएगा शॉर्टकट की, अपडेट स्टाइल का होगा, अपडेट स्टाइल का होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस या F11,
न्यू स्टाइल के लिए शिफ्ट एफ 11, देखिए सब जुड़ा हुआ है एक ही से, शिफ्ट एफ 11 नया के लिए और अपडेट के लिए कंट्रोल लगा के, और मैनेज करने के लिए F11, सब F11 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 है लास्ट में, सही से लिखिएगा। लिख लीजिए हो गया, तो ये याद रखिएगा, नो ऑर्डर लिस्ट के, नो ऑर्डर जो भी लिस्ट नहीं चाहिए तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट F12 है, और एडिट स्टाइल के लिए अल्ट पी है एडिट करने के लिए, और अपडेट स्टाइल के लिए, पहले न्यू स्टाइल के लिए याद रखिएगा, न्यू स्टाइल के लिए क्या है शिफ्ट F11, और अपडेट करने के लिए कंट्रोल जोड़ दिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, और अगर मैनेज करना है उसमें तो F11 अकेला, ठीक है। हो गया, अब अगला है आपका टेबल, क्या है टेबल, टेबल में क्या होगा, जैसे टेबल आप वहां कर देगा ना एमएस वर्ड में 2x3 का जितने रो कॉलम जो भी था उसको, सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझिएगा, अगर मैं एक सेल बना दूं यहाँ पे, एक सेल बना दूं, तो जो एक सेल होता है वो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है, तो खड़े हो जाओ जय, अच्छा और कोई इनके अलावा कोई नहीं है, खड़े हो जाओ, क्या एक रो दो कॉलम लड़कियों में, आप लोग पढ़ के आ गए ना, आप लोग सब पढ़ के आए ना, बताइए एक्सेल सब पढ़े हैं आप लोग, सीमा आई हो, हाँ एक रो और दो कॉलम, सही नहीं हुआ तो गूगल पे करवाऊंगा तो। नेक्स्ट, और अनीता आई है क्या, नहीं आई है, आई है बताइए, एक कॉलम बैठ जाइए सब, सुनिए एक लाइन से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कॉलम है कि रो है, लेकिन हाँ इस फॉर्म में रहने वाली चीजों को हम वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल फॉर्म में रो होते हैं कॉलम होते हैं, और अब एक कॉलम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं एक कॉलम बोल सकते हैं, मतलब एक लाइन से हम कॉलम नहीं बोल सकते थे, अब एक कॉलम हो गया, और रो को भी एक लाइन से नहीं बोल सकते, अब रो हो गया नहीं हो गया, अब एक रो हुआ है, तो इसको लोग के लिए दो गिनते हैं एक, और इसको दो दो रो गिनते हैं, लेकिन नहीं यह है कितना एक रो, तो आप खुद सोचिए यहाँ कितने रो दिख रहे हैं, हाँ एक ही रो, और कितने कॉलम दिख रहे हैं, एक ही कॉलम दिख रहे, कॉलम अकेला लाइन थोड़ी होता कॉलम, अब कॉलम हुआ, और एक और बढ़ा दिए तो अब कितने कॉलम हो गए, दो कॉलम हो गए, लाइनें तीन है, लाइन नहीं गिना जाता कभी भी, कितने कॉलम बन रहे हैं एक बन रहा है, यानी एक जो सेल होता है एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है, लिख लीजिएगा, एक सेल जो होता है एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है, क्या पढ़ेंगे आप लोग, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा बताओ इस सेल में कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना है, अगर इस सेल की साइज हम बढ़ा दें अब कितने रो कितने कॉलम है,
समझ आ गई बात ना। अच्छा नीचे अगर एक और सेल बढ़ा देते अब कितने रो कितने कॉलम है? दो रो, रो की संख्या बढ़ी है, कॉलम अभी भी एक ही है, कॉलम एक ही है, रो दो बढ़ गए ना। और अब कितने कॉलम कितने रो है? दो रो दो कॉलम। समझ में आ रही बात ना, यानी कॉलम की संख्या भी बदल गई और रो की संख्या भी, ठीक है। तो अगर मान लो एक सेल एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना है, अगर सेल की साइज थोड़ी बढ़ा के हम पेज के बराबर कर दें, तो अब कितने रो कितने कॉलम है? हाँ अभी भी एक रो एक कॉलम ही है भाई, साइज बढ़ाने से क्या हो गया? साइज बनाने से अगर इंसान तो इंसान ही रहेगा ना, साइज बढ़ भी जाएगा तो ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जो वर्ड का डाटा होता है, जो राइटर का डाटा होता है, वो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है? तो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है? अब इस पेज में कितना भी मैटर लिखा उसे क्या लेना देना है, तो एक ही रो एक ही कॉलम। तो कितने सेल से बना होता है? एक सेल। कितने रो कॉलम? एक रो और एक कॉलम। यानी राइटर का जो पेज होता है, डाटा होता है राइटर का, वो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है? एक रो और एक। यही वर्ड के लिए भी है कि एमएस वर्ड का जो डाटा होता है, पेज का डाटा होता है, वो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है? क्या बोलेंगे? एक रो और एक कॉलम। क्यों? क्योंकि एक सेल है, सेल की साइज इंक्रीज करके पेज के बराबर की गई। समझ में आ गई बात ना? ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ टेबल इंसर्ट करना है, चलिए कर लेते हैं। टेबल पे आए, इंसर्ट टेबल पे आ गए। इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की लिखिए कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, देख लीजिए। कोई डाउट नहीं है ना? तो क्या होगा, इंसर्ट टेबल क्लिक करेंगे। अब आप टेबल कितना चाहिए आपको? टेबल एक चाहिए, कॉलम रो जितने चाहिए, क्या करेंगे? सिलेक्ट करके क्या करेंगे? इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट हो गया, देखिए कितने रो आए हैं, दो रो। कितने कॉलम है? दो ही कॉलम है। अच्छा कोई बात नहीं, पहले पहले से डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में कॉलम की संख्या नहीं बढ़ेगी, रो की संख्या बढ़ जाएगी। कैसे रो की संख्या बढ़ेगी? जब आप जानते ही हैं कि टैब बटन का यूज इस्तेमाल स्टार्टिंग में पढ़े थे कि ज्यादा स्पेस के लिए हम टैब बटन का यूज करते हैं, लेकिन बाद में जब एक्सेल वगैरह पढ़े होंगे आप लोग, तो टैब बटन का यूज पढ़े होंगे। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब बटन का यूज किया जाता है। टैब दबाइए और ये संख्या इसकी बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है। यानी किसकी संख्या बढ़ी? रो की कॉलम की? रो की संख्या बढ़ी है। कॉलम अभी भी कितना है? दो ही है। आराम से बाबू, तुम इधर मुझे लग रहा नारा वारा लगा रहे हो क्या? समझ में आ गई बात ना? अब देखिए, जैसे क्लिक किए हैं, एक भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा था, टेबल में ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या हो गया? हाईलाइट होने लगा। अब सेल मर्ज करना है मान लो, तो हम सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे टेबल पे, और यहाँ पे मर्ज सेल, देखो इससे पहले मर्ज सेल हाईलाइट नहीं है, देखिए टेबल पे क्लिक, मर्ज सेल हाईलाइट है, देखिए तो मर्ज सेल हाईलाइट है, मर्ज टेबल हाईलाइट है, हाईलाइट रहेगा ये, जब सिलेक्ट करनी है तो हाईलाइट होगा, नहीं बिना सिलेक्ट किए ना, देखिए हाईलाइट नहीं है ना। हाँ, और सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? हाईलाइट होगा। मर्ज का मतलब होता है मिला देना, क्या होता है ना, जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा यहाँ पे अलग अलग दिखा रहा चार ना, अभी चारों मिलके एक बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, देखिएगा टेबल पे गए मर्ज कर दिए, देखिए मिल गया, एक बन गया, देखो लाइन हट गई बीच से, हट गई नहीं हट गई, ऐसे ही काम कर सकते हैं आप, मर्ज कर सकते हैं। अब जो भी लिखेंगे इसमें बड़ा सा लाइन आएगा, ठीक है। अगर डिलीट करना है, प्रोटेक्ट करना है, सारी चीजें यहाँ पे ऑप्शन है, डिलीट करना है इधर डिलीट करें, डिलीट रो की कॉलम, क्या सिलेक्ट किए हैं? रो सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए डिलीट हो गए। सिलेक्ट करना सिलेक्ट हो जाएगा, सेल सिलेक्ट करना है, रो सिलेक्ट करना है, कॉलम या टेबल ही, टेबल करना है तो टेबल सिलेक्ट हो गए। सारे जो हम कल पढ़ेंगे, हम एक्सेल पढ़ेंगे इसमें कल की, यानी कि तो डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल में ये सारी चीजें।
प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट भी कर लेंगे इस सेल को, ठीक है। कुछ भी टाइप करेंगे तो प्रोटेक्ट लिखिएगा ही नहीं, देखो कुछ टाइप ही नहीं करने दे रहा है, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ से प्रोटेक्ट किया, क्या करिए, अनप्रोटेक्ट करिए, अब टाइपिंग हो जाएगी। देखिए लगा हर सेल में है, हर सेल में बार बार करना पड़ेगा आपको। सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए टेबल को, और यहाँ पे टेबल पे आने के बाद क्या करिए, इसको अनप्रोटेक्ट कर दीजिए। अब ठीक है, अब काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप सेल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर। ऑटो फॉर्मेट में तो पहले से कोई फॉर्मेट आपको लेना होगा, वैसा फॉर्मेट आप ले सकते हैं, हाँ जो भी है, नंबर फॉर्मेट, फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, हेल्प, जो भी चाहिए करके क्या करेंगे, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं ना, ऐसे करके क्या कर दिया, ओके कर दिया, अभी नहीं ऑलरेडी है ना इसमें, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, हो जाएगा आपका। अच्छा ये लिख लीजिएगा, एडिट फार्मूला के लिए F2 दबाते हैं, F2 जैसे आप लोग रीनेम करने के लिए क्या दबाते हैं, रीनेम करने के लिए F2, वैसे फार्मूला को भी एडिट करने के लिए F2 दबाया जाता है, एडिट फार्मूला F2। उसके बाद दिया हुआ है शॉर्ट करना, देखो हाईलाइट नहीं है, शॉर्ट हाईलाइट इसलिए नहीं है, अभी हाईलाइट हो जाएगा, देखिएगा। पहले तो मैंने जितना लिखा हुआ है मैटर सब मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे नाम लिख दिया, दो तीन नाम लिख दे रहा हूँ, अमर और अश्वनी, अश्वनी डब्ल्यू आई लिखते हो जी, और बहुत मार रखा होगा, और आरी और कृष्णा, और राजू हो गया, इतने सारे नाम हो गए। अगर इन नाम को हमें अल्फाबेटिकल सीरीज में रखना है, जैसे अगर मान लो नॉर्मली अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर अल्फाबेटिकल सेट किया जाए इनका, तो पहला नाम ए वालों का आएगा, फिर बी वालों का, फिर सी वालों का। ए वाले तीन लोग हैं, अमर, अश्वनी, आरिफ। अब इन तीनों में पहला नाम किसका आएगा, तो पहला लेटर अगर मैच कर जाता है तो हम सेकंड लेटर पे कैरी करते हैं। सेकंड में दिया यम, यस और आर, कौन पहले आएगा, यम की यस की आर, हाँ अमर, यानी अमर पहले आएगा। अब अश्वनी और आरिफ में पहले कौन आएगा, आरिफ आएगा, क्योंकि आर पहले आता है बाद में यस आता है, यानी पहला नाम अमर का, फिर आरिफ का, तब अश्वनी का, तब कृष्णा का, और लास्ट में राजू का। चेक कर लीजिए सिलेक्ट करके, और आइए टेबल पे, यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट, क्लिक करिए और शॉर्ट में आ जाइए। असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब ए टू जेड, डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए, और क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए तो सही हो गया, अमर, आरिफ, अश्वनी, कृष्णा, राजू, सही हो गया। हमारा डिसेंडिंग में चाहिए तो डिसेंडिंग मतलब होता है जेड टू ए, यानी पहले जेड वाला फिर वाई वाला, इस तरह का। तो टेबल पे आएंगे, शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ डिसेंडिंग ले लेंगे, दिख रहा ना, ऐसे काम कर सकते हैं इस शॉर्ट में। सारे एक्सेल का फॉर्म है, इसमें दे दिया हुआ है कि प्रॉपर्टीज है इसकी, इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है क्या क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। टेबल का नाम, कॉलम, बॉर्डर, सारी चीज यहाँ पे, बैकग्राउंड, कलर रखना, कलर रख लेंगे, ओके, देखिए कलर हो जाएगा, देख रहे हो ना, सेल कलर कर दिया गया, तो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है टेबल के भीतर, हो जाएगा, कर लेंगे ना, ठीक है। आप प्रैक्टिकल तो यहाँ हो नहीं पा रहा होगा आप लोगों का, जैसे जो, ठीक है, आप लोग यहाँ पे आके गूगल पे बहुत सारे साइट हैं ट्रिपल सी के लिए, नीलेट का, या फिर जो भी जैसे पिनारिक देंगे, ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो भी आपको मिल जाएगा। पर डे टेस्ट देना है, अगर पास होना है तो पर डे देना है, क्योंकि यहाँ पे आप कर लेंगे तो बाद में आपके लिए बेनिफिट होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रहेगा,
बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। इंग्लिश हिंदी स्टार्ट प्रैक्टिस पे क्लिक किया, प्रैक्टिस दीजिए। देखिए यहाँ पे देख रहा, अलाउ यूजर टू सेंड ए फाइल विथ ईमेल, ड्राफ्ट मैसेंजर सेंड ए अटैचमेंट, फाइल अटैचमेंट होगा ना, अटैचमेंट होगा ना, क्या करेंगे नेक्स्ट। ये ग्रीन भी हो गया। अरे फॉर ए बेटर रीडेबिलिटी इट इज प्रिफरेबल दैट अ बुलेट पॉइंट, लॉन्ग सेंटेंस पेज ऑफ टेक्स्ट शॉर्ट पेजेस पार्शियल कंप्लीट पैराग्राफ, क्या लग रहा है, पेज ऑफ टेक्स्ट या कंप्लीट पैराग्राफ? हाँ गलत है, पता ही नहीं चल पाएगा, दो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए ना, रेड में दिखा रहा है मतलब गलती हो गई है। देखो ग्रीन था पेजी आप टेक्सी, आप लोग जो बोले हैं गलत है, अब आगे बाद में पता चलेगा कि 100 क्वेश्चन का टाइम करना पड़ेगा आपको। अगला है ए इज सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड और की स्ट्रोक दैट आर स्टोर्ड इन लेटर यूज, मैक्रो ऑटोमेशन इंडेशन मेल मर्ज, सेव्ड की बात आई है ना, मैक्रोज हो जाएगा। देखिए तुरंत ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया मतलब सही है, नेक्स्ट कर दिया। कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन किसमें आएगा बताइए, कट कॉपी पेस्ट फाइल में आएगा, हाँ नेक्स्ट। हाउ मेनी स्क्रॉल बार विल अपीयर व्हेन जूमिंग 3.8%, कह रहा कि अगर 300% जूमिंग कर देंगे आप तो कितनी स्क्रॉल बार आपको दिखेंगे, तो देखते हैं ना आप, एक तो यहाँ दिख ही रहा है, दिख रहा है ना, नीचे नहीं दिख रहा है, अभी ये जूमिंग बढ़ा देंगे तो नीचे भी आ जाए, तो कितने मैक्सिमम स्क्रॉल बार देखेंगे आपको, तो दो ही राइट है, नेक्स्ट करेंगे, देख रहा है ना, ऐसे आप लोग देना है। कर रहा है उमंग ऐप हेल्प टू अवेलेबल द सर्विसेज एज, क्या क्या दे रहा है, फिलिंग इनकम टैक्स, मेकिंग आधार एंड पीएफ, बुकिंग ए गैस सिलेंडर, ऑल ऑफ द अबव। बहुत कम ऐसा होता है कि उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन गलत हो जाए, ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ही सही होता है, अगर दिया है कंडीशन ज्यादा बनती है, अगर कॉन्फिडेंट है तो आप इधर का ऑप्शन सिलेक्ट करिए, नहीं कॉन्फिडेंट है तो ऑल ऑफ द अबव लगाइए, शायद सेफ हो जाए आप। करा ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डिजाइन चॉइस दैट इंक्लूड कलर फॉन्ट स्पेशल इफेक्ट डाटा थीम टेबल स्लाइड, थीम थीम सही हो रहा है, ऐसे ही करना है आप लोग को 100 क्वेश्चन कर लेंगे ना, करिएगा फिर। और यहाँ एक और ऑप्शन आता है ट्रिपल सी टेस्ट का, यहाँ पे पहले नंबर पे ये रहा, यहीं पे आएगा ये रहा, ये देखिए 50 क्वेश्चन है और बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है, हार्ड लेवल लैंग्वेज, मीडिया लेवल लैंग्वेज, लो लेवल या फिर सभी, हार्ड लो ये सब होता ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया यूजर की पहचान सिद्ध कराती है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, यूजर की ऑथेंटिकेशन होगा ना, आइडेंटिटी का तो पहचान होता है, ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं आप लोग, आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, इससे आपकी पहचान की जाती है, ऑथेंटिकेशन होगा। एड्रेस बुक में होता है क्या, एड्रेस बुक में क्या होता है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, लोगों के नाम, उपयुक्त सभी, कंप्यूटर तथा इंटरनेट पर द्वारा संचालित आधुनिक व्यवसाय है, ईमेल, ई मीडिया, ई बिजनेस, उपयुक्त सभी, लेन फंक्शन करती है, दो सेल के कंटेंट की तुलना में सेल में क्या है, करेक्ट की संख्या गिनना, टेक्स्ट में या ये सभी, टेक्स्ट में एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट करना, क्या लगेगा, लेन क्या करता है, संख्या काउंट करता है, सही होगा, लेन फार्मूला है एक्सेल में, आप कितने अक्षर का नाम है उसको काउंट करके बता देगा। अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे जो ब्लिंक करती है उसे क्या कहते हैं, कर्सर बोलते हैं, जो ब्लिंक करता है कर्सर होता है। रिव्यूलस ऑप्टिकल स्टोरेज का विशिष्ट क्या है, इफ्रोइम्स होगा, आरओएस, आरओएम, सीडी, डीवीडी, ऑप्टिकल स्टोरेज, डीवीडी, ऐसे करके सब सिलेक्ट करते रहिएगा आप लोग, 50 क्वेश्चन कम से कम दिया करिए, ताकि ये रहे प्रैक्टिस बना रहे तो जाके पास होंगे आप लोग, ठीक है।
कल परसों से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, जो लोग फॉर्म भरे रहेंगे सिर्फ वो क्लास में रहेंगे, बाकी लोग का छुट्टी हो जाएगा, ठीक है, दिवाली वाला। थैंक यू क्लास।